मुराद कहाँ चले गए? अनीशा क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे? यार ऑफिस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम सो रही हो, लंबी बात है, यहाँ बैठ के करूँगा तो तुम डिस्टर्ब होगी, इसलिए लॉन में चला गया। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरी एक इकलौती बीवी हो तुम, तुम्हारी परवाह नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। और भुलक्कड़ भी हूँ, अभी तक याद नहीं आ रहा कि रूही को सूट दिया कैसे था। अरे यार ये सूट की कहानी कब खत्म होगी, भूल जाओ ना ड्रेस वाली बात को। उसको डांट भी दिया, समझा भी दिया, नया ड्रेस ले लेना, मैं दिलवा दूंगा। रूही के लिए बुरा लग रहा है ना मुराद, पता नहीं बेचारी क्या सोच रही होगी, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो किसी का दिल दुखा कर सुकून से सो जाते हैं। बेहस लोग होते हैं और हम वैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि तुम्हारे दिल में एहसास है लोग। अभी नीचे गया था ना लॉन में फोन पे बात करने, तो रूही वहीं बैठी हुई थी, बहुत अपसेट थी बेचारी। उसको समझाया मैंने कि अनीशा का और मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि तुम्हें हर्ट करें, तुम्हारा दिल दुखाएं, समझ गई। थैंक यू मुराद, आप बहुत अच्छे हैं। मैं सुबह ही वो ड्रेस रूही को दे दूंगी, कितनी खुश थी, पहनकर खुश हो जाएगी। ठीक, आप मुझे और दिला देना। नहीं दूंगा, चलो सो जाओ। रात को जागी रही तो तुम्हारी डिमांड्स जो है ना खत्म नहीं होगी।